कोई गिनती नहीं है यार, कितनी लाश एक बार में जलती है। ये टॉयलेट का है यार, टॉयलेट टॉयलेट है, मेरे को भी लगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट व्लॉग। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट पहुंच चुके हैं, मतलब अभी गलियों में हैं, है ना। सो ये अपना तीसरा एपिसोड होने वाला है वाराणसी का। सो ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट का क्या सीन है, और मतलब क्या कैसे क्या सिस्टम होता है। और गाइस, ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी मतलब रात का सीन है ये, है ना, लगभग 11 बज चुके हैं, है ना। 11 बजे का आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे, हाँ मतलब यहाँ, हाँ हाँ यहाँ मतलब बॉडी जो है वो जलती रहती है रात में भी। मतलब ये एक स्पेशल है जो आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं सीधा। सो गाइस, देख सकते हो कितनी खूबसूरत मंदिर है, है ना। इस मंदिर के बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो, है ना, जिससे कि और भी ज़्यादा व्यूअर को पता चल जाए। बाकी अभी और गली में चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। तो भाई, अपन पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट, है ना। अज्जू भाई, कैसा फील हो रहा है आपको, बताओ थोड़ा। मतलब गाइस, मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है ना, मतलब शांत शांत एरिया है। हाँ, इतने कहना हो गया है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा गाइस। मतलब यहाँ पे ना लोग भी थोड़ा सा, मतलब आप आओगे तो आपको थोड़ा सा एक अलग ही वाइब आएगी। मतलब लोग यहाँ पे ना बिल्कुल मतलब साइलेंट है, मतलब एक अलग ही गाइस, मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे अपन कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला मतलब सुन रहा है, लेकिन उसको रिएक्ट करने का मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब इस टाइप की सिचुएशन है। और मतलब बता नहीं सकते गाइस, मतलब आप आके यहाँ पे खुद ही फील कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल मतलब 11 बज चुके हैं, है ना। अभी ये थोड़ा साइड का व्यू है ना, ये देख सकते हो थोड़ा बहुत मंदिर ही मंदिर इधर बनी है, बहुत सारी मंदिर है, है ना। और अभी अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब किया कर्म का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है ना। सो चलते हैं और आगे आपको और अंदर का दिखाते हैं सीन। गाइस, आप देख सकते हो लकड़ियों के ढेर, मतलब इतने सारे हैं ना कि मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ मतलब कितनी खपत है। और गाइस, यहाँ लगभग ना होगा तो 20 से 25, मतलब 20 से 25 होगी ना डेली किया कर्म की,
और ज़्यादा ही होगा भाई, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई भरोसा नहीं। और गाइस यहाँ पे मतलब बहुत ही डेली कम से कम 20 से ज़्यादा लाश जलाई जाती होगी। गाइस देख सकते हो यहाँ लकड़ियों का भंडार, वहाँ गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी है ना टाल की, और ये देख सकते हो किसी की लाश जल रही है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, टाइम यहाँ पे अभी हो चुका है 11:30 है ना, और अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अकरम का मतलब काम जो है वो चालू है। नॉर्मली गाइस जैसे अपन एमपी से बिलोंग करते हो तो एमपी में सूरज ढलने के बाद है ना क्रियाक्रम की जो भी वो रहती है प्रोसेस वो नहीं होती, फिर वो नेक्स्ट डे होती है ना। लेकिन यहाँ पे भाई पूरी रात ऐसे ही आप क्रियाक्रम करवा सकते हो अपना, और क्या बोलते हैं ये लाश वगैरह जो है चिता वगैरह जल जाती है। सो गाइस देख सकते हो बाकी आप व्यू, गाइस यहाँ पे मतलब एक अलग ही वाइब है जो मतलब आप यहाँ आकर ही फील कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ अभी 11:30 बजने वाला है ना, और अभी भी चिता जल रही है ना। नॉर्मली क्या होता है गाइस कि अपना जैसे कि जो एमपी वगैरह है, जैसे हम लोग एमपी से हैं तो एमपी में क्या होता है कि सूरज ढलने के बाद जो है ये प्रोसीजर वगैरह नहीं हो पाता है ना, लाश वगैरह जो है नहीं जलती है, फिर वो नेक्स्ट डे की प्रोसीजर रहती है। लेकिन यहाँ पर भाई मतलब ऑल टाइम कभी भी आप मतलब कि क्रम करवा सकते हो, और मतलब जो चिता वगैरह है वो जल जाती है। तो गाइज हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन गाइज यहाँ की जो वाइब है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप अगर आप आओगे तो आपको खुद ही एक महसूस करने वाली वाइब है, वो मैं बता नहीं सकता। तो गाइज बाकी और आगे यहाँ का सीन दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। अब एक और आ गई, चला है नहीं मजा कर कोई गिनती नहीं है यार कितनी लाश एक बार में जलती है।
तो भाई अभी 1:30 बज रहा है और हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं ना। वहाँ पे बैठे बैठे गाइस 1-1.5 घंटा हो गया था और मतलब इतनी लाश मतलब जल चुकी थी कि गाइस मतलब हिसाब नहीं लगा सकते। एक ख़त्म हो नहीं रही है और दूसरी मतलब आ जा रही है। तो गाइस आपने देखा ही है कितना कैसा मतलब सीन है गाइस वहाँ पे। तो मतलब बिल्कुल शॉकिंग मोमेंट रहा गाइस। मतलब कोई मतलब ना कोई कुछ हंस रहा है ना कुछ बोल रहा है, मतलब इस टाइप की एक अलग ही वाइब रहती है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। सो आपको वो ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।